मोमो, मोमो बोलते हैं ना इसको। अच्छा नेपाल से आयो ना, चलिए ठीक। तो हमने बताया ना कि रोडवेज तिराहे के पास जो है खाने पीने की सामान जो है बहुत ही अच्छी मिलती है। देखिए नेपाल से दो साथी आए हैं, क्या क्या ये अपना आइटम बना रखा है इन लोगों ने, देखिए अभी ताज़ा ताज़ा सारा आइटम तैयार हो रहा है। नौजवान हैं आप, इंतज़ार कर रहे हैं इनके हाथों से बनाए हुए चीज़ों को खाने के लिए। क्यों, कहाँ से आए हो भैया आप? नेपाल से भैया। नेपाल से तेज बोलो, कितने दिन से हो यहाँ पे? 4-5 साल से। 5 साल से? हाँ 5 साल से। कितने कितने लोग हैं यहाँ पे नेपाल से? 10 लोग हैं। 10 टीम है? हाँ 10 टीम। तो अलग अलग जगह पे हो तुम लोग? अलग अलग। क्या क्या है आप अपने पास आइटम, क्या क्या है बताओ, तीन बोलो। मोमोज है, रोल है। हाँ उतने बस। अच्छा रोल और मोमोज। हाँ ज़्यादा पसंद क्या है बलिया के लिए? हाँ पसंद किया है भैया। नहीं क्या ज़्यादा लोग क्या किस चीज़ पर डिमांड कर रहे हैं? स्प्रिंग रोल पे। स्प्रिंग रोल में? स्प्रिंग रोल पे तो ज़्यादा यहाँ बिकता है। नौजवानों को ज़्यादा पसंद है क्या? हाँ ज्यादा खाते हैं। हाँ ज्यादा रोल ही खाते हैं। ज्यादा रोल खाते हैं? हाँ रोल खाते हैं ज्यादा। कब से कब लगाते हो? 4 बजे तक। 4 बजे से कब तक? 4 बजे 9 बजे तक। 9 बजे रात तक। 4 से 9 अगर आपको कुछ खाना है तो गढ़वाल ये रोडवेज तिराहे पे जरूर आइए। फर्स्ट क्लास यहाँ पे देखिए नेपाल का, नेपाल के हाथों का बना हुआ देखिए कैसे छान रहा है ये। वाह, तो इसमें क्या ये रिफाइंड है या घी है? क्या है ये? रिफाइंड है। तो अभी तो तुम्हारा आइटम खत्म हो गया, खत्म होने वाला है। चलिए डिमांड क्या क्या लगता है इनके? कैरसन भैया कैसा लगता है? अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। हम लोग खाने के लिए यहाँ पे आते हैं। कितने दिन से आ रहे हैं? आ रहे हम लोग तो 3-4 महीने से यहाँ पे आते हैं। 1.5 महीने से? अच्छा इसी का टेस्ट ले रहा है? हाँ जी। वाह बहुत बढ़िया। तुम कहाँ से आओ? इधर आ जाओ। कहाँ से आओ? गांधीनगर से। इधर गांधीनगर से। क्या 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 अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है, स्प्रिंग रोल बहुत टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा रहता है। अच्छा आप भैया कहाँ से हैं? नगरा से। अरे इधर आइए, मतलब रहते होंगे बलिया में ना, शहर में कि यहीं जाएंगे नगरा सीधे? नहीं यहाँ पे भी घर है। अच्छा बलिया। तो अभी आए हैं आप यहाँ बलिया हैं नगरा से? तो यहाँ पहली बार आए कि पहले भी आते हैं? पहले यहाँ 2017 से रहते हैं। ये डेली खाते हैं? हाँ डेली खाते हैं। पसंद आए? हाँ। क्या खाते हैं यहाँ पे? पनीर रोल खाते हैं। पनीर रोल? पनीर रोल। हाँ अच्छा अच्छा लगता है। तो ये नेपाल के हाथ से बनाया हुआ सामान आपको पसंद आता है? चलिए बहुत। क्या नाम बताया? कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद। चलिए आइए हम आप फालूदे की तरफ चलते हैं। तो आप ये आप आइए गुप्ता जी का कुल्फी फालूदा, उधर हम आपको दिखाए नेपाल के लोगों का बलिया क्या। आइए गुप्ता जी थोड़ा सा इधर आइए। ये आइटम देखिए, इनके पास दही बाड़ा है, ये पनीर है, ये दही है और कुल्फी है। कुल्फी बन रही है, खा रहे हैं नौ आप लोग। कुल्फी खाने के लिए आए ना? कहाँ से आए? बलिया से। ये पहली बार आए हैं? बराबर आते हैं? मैं बराबर आता हूँ। खाते हैं कुल्फी? अच्छी लगती है इनको? आपको अच्छी लगती है? हम मीठा से आए हैं, अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? हाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। मजाक नहीं कर रहे? नहीं नहीं। कितना टाइम से खाते हैं? क्यों तो आप बताइए कैसा लगा ये टेस्ट? ठीक है, जानदार लगा। गुप्ता जी का बनाए हुआ हाथ का ये आपको पसंद आ रहा है? जी जी जी। मजाक नहीं कर रहे? अच्छा लगा। बिहार से आए? बिहार से? जी हाँ। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट से? भोजपुर से, डुमरा। भोजपुर डुमराव से? बक्सर। बक्सर से भी? गुप्ता जी बताइए आपके हाथ में जादू क्या है कि बक्सर बिहार और कहाँ भोजपुर भैया डुमराव से आ गए? ये भिर्गु बाबा और बलेश्वर जी की और गंगा मैया की कृपा है। ये कला हमें मिली है और विरासत से मिली है, और मैं इस कला को बड़ी प्रेम से। कितने साल से आप कर रहे हैं? मैं 40-45 सालों से यहाँ ठेला लगा। 45 साल से धंधे में है? जी सर। और हमें लगता है कि कितने बजे आ जाते हैं यहाँ पे? हम शाम को 4 बजे लगाते हैं 10 बजे तक। दिन भर बनाने में टाइम लग जाता है, सुबह 6 बजे से और शाम को 4 बजे तक बनाने में वक्त लगता है, और 4 बजे से 11 बजे तक 10 बजे तक हम यहाँ। अच्छा ये हम कह रहे थे कि जैसे दूध वगैरह कहाँ से आता है? दूध हम खटालपुर से दुहवाते हैं, और कुछ चौधरी विश्वास पात्र हैं जो दूह करके लाते हैं और बढ़िया दूध देते हैं। दूध बढ़िया दूध का? अपने गुप्ता जी ने बताया कि बढ़िया दूध अपने आँखों से दूध को लेते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ अपने सुबह से ही आइटम को तैयार करने के बाद ठीक यहाँ 12 बजे कितने बजे आते हैं? शाम को चार बजे से रात को 11 बजे तक रहते हैं। और अभी देखिए क्या इनका एकदम मज़ा आ जा रहा है खाने में, तो दिल क्या बोलता है, बहुत अच्छा। देखिए अब चलिए फल वाले के चलते हैं, वो भी देखिए क्या क्या रखता है वो। आइए देखिए फल की दुकान, आप यहाँ केला है, अंगूर है, संतरा है, नारियल पानी है, तमाम चीज़ें हैं। अब आइए इधर चलते हैं। तो अभी आइटम का देखिए इसके पास भरमार है,
ये लड़का बड़ा जंदार और शानदार है। ये जो आइटम सजाता है इसके हाथ में कला है। देखिए सेब किस तरह से सजाया है, अंगूर को किस तरीके से सजाया है, संतरा को किस तरह से रखा है, पपीता है, ये नारियल पानी है। नारियल पानी कहाँ से आया है? बंगाल से, ममता बनर्जी जी के क्षेत्र से आया है। और देखिए कह रहा है बंगाल से आया है और योगी सरकार में ये देखिए ख़ास तौर पे अपने उत्तर प्रदेश में लाया है बंगाल से। आप देखिए ये सब कुछ आइटम इसके ब्लैक, ये काला अंगूर है, ये ब्लैक और संतरा है। ये गढ़वा, ये रोडवेज तिराहा बहुत ही रौनकदार हो गया है तिराहा। आप यहाँ पे हर चीज़ खाने की मिलेगी, एक बार खाएंगे बार बार आएंगे। तो ये सब क्या रखे हो यार, इमली वगैरह तुम तू क्या रख दी हो? आप देखिए ये भी आइटम आप देख रहे हैं कितना बढ़िया है। और ये भी देखिए अभी तो ये भी सीजन आपको मिल रहा है। तो वाकई दुकानों को सजाने की कला। तो तुम्हारा नाम क्या है? वसीम। वाह, ये देखिए छोटा बालक है, बड़ा जानदार है। ये इसके क्या तुम्हारे लगते हैं भाई? इधर आ जाओ भाई। ये बताओ यार, तो कितने साल से धंधा करते हो? करीब 15 साल से ऊपर हो गया। 15 साल से हमें होली में, होली कैसा रहा? अच्छा रहा सर, मगर लास्ट डे अच्छा रहा। लास्ट डे जी क्या क्या बिका ज़्यादा? अंगूर और संतरा सर बिकता है ज़्यादातर। ज़्यादातर अंगूर संतरा ही बिकता है। और नारियल पानी? वो तो सर पीने के लिए होता है। पीने के लिए लोग पीते हैं जी। पिलाते हो सबको? जी जरूर पिलाते हैं। और क्या क्या आइटम तुम्हारे यहाँ ज़्यादा डिमांड है इस गर्मी में, क्या क्या बिक रहा है ज़्यादा? नारियल पानी सर ज़्यादा बिकता है। नारियल पानी ज़्यादा बिकता है। नारियल पानी ज़्यादा बिकता है जी, और उसी की ज़्यादा डिमांड है। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पे? सर पूरे शहर के लोग आते हैं। पूरे शहर के लोग जी। खूब खिलाते हो जी? गढ़वार नगरा सारे शहरों से लोग आते रहते हैं। वसीम पे ख्याल करते हो कि नहीं? वसीम मैं सर खुद हूँ, वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई, उसका नाम बताया तब फर्जी नाम बताया। तुम्हारा नाम क्या है बताओ? अच्छा लंबा नाम है उसका, कोई बात नहीं। चलिए ये पब्लिक आइए बात करते। रुकिए भाई साहब, आप कहाँ भाग रहे हैं? अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। कुछ लिया यहाँ से? जी केला लिए। केला लिया, कितना लिया? एक दर्जन। बच्चों के लिए? जी। आप यहाँ कितना दूर जाएंगे? 4 किलोमीटर। कौन सी जगह? मिड्डा। मिड्डा जी। तो बराबर आते हैं जी? केला इनका अच्छा लगता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? एकवारी से। एकवारी गाँव? तो शहर में आए कुछ काम से? हाँ बनारस गए थे। बनारस से बस से उतरे? हाँ ट्रेन से। ट्रेन से? ट्रेन कौन सी ट्रेन से है? छपरा वाली कौन जाती है? अच्छा उसी से आ गए आप? अब गांव जाएंगे? कुछ खाने पीने की इच्छा हो यहाँ रुके? 1 किलो सेब लिया, 1 किलो केला लिया, 1 दर्जन। अच्छा इनका सामान अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। दुकान भी अच्छा सजाया? हाँ अच्छा। चलिए ये सारे लोग खड़े हैं, आप कहाँ से? बलिया से ही। बलिया से, यहाँ किस लिए खड़े हैं? बस अंगूर लेना है यहाँ। अच्छा अंगूर लेना है आपको? लोग करनई से हैं। अच्छा करनई? करनई तो बस से मतलब क्या कुछ जाना है बाहर? यही सामान लेने के लिए। अमरूद दूर से? अमरूद लेने के लिए। करनई में और दुकान वकान नहीं होता है? तो हम लोग रोज बलिया आते हैं इधर। अच्छा, से अपना कुछ व्यवसाय वगैरह करते हैं? हाँ। क्या? कचहरी में। कचहरी में? तो कचहरी तो बहुत समय हो गया तो बंद हुए। अच्छा रुके होंगे कुछ काम। आपका नाम भैया? संतोष चौरसिया। अच्छा संतोष जी कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। घर में सब कब ठीक ठाक? हाँ। कुछ लिया आपने यहाँ से? हाँ लिए हैं, अमरूद और नाशपाती के लिए खड़े हैं। अच्छा वेट कर रहे हैं आप? हाँ, हाँ। वेट कर लीजिए। आप पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ बढ़िया चल रही है। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम तो अभी महेंद्र इंस्टीट्यूट में टीचिंग करते हैं, जनरल अवेयरनेस पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं बच्चों को? वाह। कहाँ रहते हैं आप? हम आपके ये द्वारकापुरी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा द्वारकापुरी कॉलोनी में रहते हैं जी। उसी महेंद्रा कोचिंग में? नहीं नहीं उसमें नहीं रहते, उसका रूम हमारा थोड़ा और आगे है। अच्छा अच्छा तो आगे मैंने किधर है बताइए, हम भी तो उसी का। अरे ये जो आर्चिस गैलरी है, आर्चिस गैलरी के पास। आप साथ ही में सर? हाँ। तो आप रहने वाले कहाँ के? बेलथरा रोड। अच्छा आप कहाँ रहने वाले? गोंडा के। गोंडा? गोंडा से बलिया कैसा लगता है? बलिया? बलिया बढ़िया लगता है। 2015 से मैं बलिया में हूँ। 2015 से मैं बलिया में। 15 से यानी 7 साल से? हाँ बीच में 2 साल कोरोना था तो बंद था, इसके बाद फिर अभी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छी अच्छी पढ़ाई हो रही है ना? हाँ बहुत अच्छा होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने कहा कि सामने ओवरब्रिज, ये गढ़वार रोड, ये रोडवेज, ये वाकई तिराह का आकार, खूब खूबसूरत नज़ारा। यहाँ हर चीज़ मिलता है, सब विटामिन सी है। यहाँ पे आप लस्सी पी लीजिए, दही बाड़ा खा लीजिए, कुल्फी खा लीजिए, फल ले लीजिए, सफ़र कर लीजिए, लखनऊ पहुंच जाइए, बनारस पहुंच जाइए, बगल में स्टेशन है रेलवे स्टेशन, महुआ मुड़ के होते हुए इधर आ जाइए। आपको आगे जाएंगे तो कटहल नाले के पास भी अच्छा मार्केट है, हर चीज़ मिलेगा। तो बलिया शहर डेवलप कर रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है बलिया शहर। थोड़ी सी कमी है, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़ा रोशनी हो जाए, थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, लोगों का थोड़ा सा आना जाना और इधर ज़्यादा हो जाए।
तो शहर से लोग जो भी इधर जाता है तो कुछ न कुछ लेके ही जाता है, बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए। तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही खबर। मैं रोशन जायसवाल, इस समय रोडवेज तिराहा पे हूँ। नमस्कार।